वेलकम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहम्मद अशरफ और आप सभी को स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अशरफ टेक पर। फ्रेंड, अगर आपके पास ओप्पो वीवो रियलमी का फ़ोन है और आपका फ़ोन यहां पे ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, जैसा कि अभी मेरे पास वीवो का फ़ोन है और आप मेरा जो स्क्रीन देख पा रहे होंगे वो पूरा यहां पे ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। मैं अगर कुछ भी यहां पे कर रहा हूं तो मेरा जो सारा कुछ है वो यहां पे ब्लैक एंड वाइट पे सो रहा है। अगर मैं कोई सा भी वीडियो को प्ले करता हूं तो वो वीडियो भी यहां पे ब्लैक एंड वाइट पे प्ले हो रहा है। तो अगर आपके फ़ोन के साथ भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है तो आप किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड, अपने फोन को फिर से कलर पर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास वीवो का फोन है तो सिंपली आपको अपना नोटिफिकेशन पैनल को यहां से ऑन करना है। चलिए मैं यहां से अपना नोटिफिकेशन पैनल को ऑन कर लेता हूं। उसके बाद यहां से आपको स्क्रॉल को ऊपर करना है। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 3 डॉट का। हम 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे फोन पर मल्टी फंक्शन यहां पे आ चुका है। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बेड टाइम मोड का, तो आप यहां पे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे बेड टाइम मोड। मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो फोन है वो फिर से यहां पे कलर पे हो जाएगा। तो आप यहां पे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे बेड टाइम मोड, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो मेरा जो फोन है वो फिर से यहां पे कलर हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा जो फोन है वो फिर से यहां पे ठीक हो चुका है। तो अगर आपके साथ भी ये परेशानी आ रही है तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, आपका जो फोन है वो यहां पे फिर से कलर पे कन्वर्ट हो जाएगा।